तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना भगवान के लिए, बोल मेरा राजू कहाँ है, बोलना। हम दोनों लकीर के आर पार जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। ये खून मेरे जिस्म से पहले क्यों नहीं बहा? कम से कम तो मुझे अपने सीने से तो लगा लेते। तौहीद, ये मत समझ लेना कि तुम भाइयों के मिल जाने से हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वजीर आजम मरेगा, जरूर मरेगा, और अब इस कारनामे को एयरपोर्ट पर जब बार अंजाम देगा। बचा लो बेटे, इन दोनों मुल्कों के करोड़ों इंसानों को बचा लो जो अमन और भाईचारा चाहते हैं। सन 47 में बंटवारे के खंजर से इस मुल्क की छाती पर एक लकीर खींच दी गई थी। अब वक्त आ गया बेटे कि उस जख्म को प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के मरहम से भर दिया जाए। यह काम तुम नौजवान ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो बेटे। क्या कह रहे हो शर्मा? Come on, give me the phone. Yes, शर्मा बोलो। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पर मिसाइल से अटैक हुआ, लेकिन वो बच गए। उन्हें एयरपोर्ट में भी खतरा है सर। What? हमारे क्लियरेंस के बिना प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आया कैसे? गुल अफगान जनाब, ओह माय गॉड, घबराने की जरूरत नहीं है, वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। वापस चलो। वजीर आजम साहब, आपकी मौत तय है, अल्लाह हाफिज। नीचे भाई संभाल के। Thank you.
सर आप फिक्र मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अजय हेडफोन्स, हेडफोन्स। वजीर आजम के साथ ओल्ड मुंबई एयर स्ट्रिप पे लैंड करेंगे। यू कैन हियर मी अजय? गुलाब खान, गुलाब खान। व्हाट हैपेंड सर? वजीर आजम को लगता है तौहीद और अजय ने बचा लिया है। किल देम खशबो लगा के। जो हुक्म जनाब। कमांडोज अटैक। चलो नहीं तो मारे जाएंगे हम सब। गुलाब खान मर जाओ या मार दो। मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं जनाब। हेलीकॉप्टर लेकर प्लेन में घुस जाओ। लेट्स गो बैक। हेलीकॉप्टर को घुसा दो प्लेन में। कौन है तू? ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के? आज खुशबू नहीं लगेगी। चलाए you
तुम्हारा इतना बड़ा प्लान फेल हो चुका है। तुम्हारे तौहीद ने धोखा दिया। जनाब, यही है वो शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, दोनों मुल्कों का दुश्मन है। हेलो जब्बार, जब्बार में जनरल हैदर बोल रहा हूँ। जब्बार बोलते क्यों नहीं? मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जब्बार क्या हुआ? वजीर आजम मरा या नहीं? वजीर आजम मरा या नहीं? जब्बार, जब्बार जवाब दो। जब्बार, हेलो जब्बार, जब्बार जवाब दो। हेलो जब्बार, अरेस्ट हिम। ये नहीं हो सकता जनाब, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, गद्दारों का साथ तो खुदा भी नहीं देता। नूर मोहम्मद, चिल्लाइए मत। मुल्क के साथ गद्दारी और वजीर आजम के कत्ल की साजिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तौहीद, राजू, 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 नहीं 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 बेटे, आंखें खोलो राजू, आंखों, राजू, 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 ओए भगवान। माँ, माँ की गोद मिली तो नींद आ गई। माँ, जब दो भाई माँ की कोख में एक साथ रह सकते हैं, पल सकते हैं, तो फिर इस धरती की गोद में आकर वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इसका जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है बेटे, भगवान के पास भी नहीं है बेटे। अवाम यही चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की अवाम यही चाहती है। सैकड़ों बरसों से संतों और दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक डोर से बांधे रखा, मगर चंद सियासतदानों ने हमारे भाईचारे का बंटवारा कर दिया। एक ही घर में दो नामों की तख्तियां टांग दी, भारत और पाकिस्तान। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। हम अलग अलग सही हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें दीवार की इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। अरे जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इस दीवार का वजूद ही क्या है? जनाब, अब आवाम खुद मिलना चाहती है, खुद मिलना चाहती है आवाम।